ये क्या किया तुमने? हमारा पुश्तैनी कब तोड़ दिया? ये क्या किया वर्षा तुमने? तुम्हें पता है कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारे इसके साथ? ये हमारा पुश्तैनी कब था? मैंने और मेरे भाई ने इसमें बचपन में दूध पिया है। अब हम साथ में नहीं रह सकते वर्षा, तुम यहां से चल जाओ। एक कप के पीछे मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। पता नहीं शहर में आते ही उसका एहसास हो रहा है मुझे। हाँ भाई, मुझे ही भाभी का एहसास हो रहा है। तुझे क्यों हो रहा है? भाभी है ना मेरी। अच्छा ठीक है, बहुत मिस करता हूँ यार मैं उसको। यार भाई, मुझे भी तुझे एक बात बतानी है। हाँ बोला। 5 साल पहले वो भाभी। अब एक कब करो, आप जाओ, मैं संभाल लूंगी। हाँ तो वो पुश्तैनी कब मुझसे टूटा था भाभी से? वो तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए झूठ बोल दिया था। छोटे, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फिर हमारा सीरियल इतने दिन कैसे चलता? हाँ वो भी सही बात है। चल अब भाभी को लेके आते हैं। चल। ए, मैं भी आ रहा हूँ। हमें कितना और भागना है भैया? छोटे, जब तक धुमताना खत्म नहीं होता तब तक नहीं पहुंचेंगे हम। फ्लावर शॉप अभी बंद है, कॉफी शॉप पे चले जाओ। वर्षा, वर्षा तुम कितनी चेंज हो गई हो, तुम बहू बनी बेब्स बन गई। चेंज तो आप भी हो गए हैं नितेश जी, पहले आप फॉर्मल पहना करते थे और अब तो आप जीन्स और टी शर्ट में आए, एकदम सलमान खान लग रहे हो। खैर छोड़ो, ये टाइम है लुक्स की बातें करने का? जो छोटे ने सब कुछ बता दिया है कि वो कप उस दिन उससे गिरा था, तुमसे नहीं। मुझे पता है तुमने मेरी गलती की वजह से 5 साल दर दर की ठोकरें खाई है। अरे नहीं, मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी। ओह हाँ, फिर भी सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी एक बार। अच्छा हुआ नहीं सुनी उस दिन। आप सॉरी मत बोलो, आपकी गलती नहीं है। सीरियल में तो हमेशा यही होता है, आए घर में कुछ भी गलत हो, गलती हमेशा बहू की या वाइफ की होती है, तो आपकी कोई गलती नहीं है। और तुम्हें पता है ये 5 साल काटना कितना मुश्किल था मेरे लिए तुम्हारे बिना? मुझे हर पल तुम्हारी याद आती थी। क्यों, डायरेक्टर ने सीरियल में नई लड़की की एंट्री नहीं दी क्या? 5 साल हो गए। बजट नहीं था शायद। ओह तो मिस करना बनता ही है। हाँ तुमने मुझे माफ कर दिया ना वर्षा। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, ऑडियंस को तो यही अच्छा लगता है ना। चलो चलें अपने घर। उससे पहले मुझे आपको एक बात और बतानी है। हाँ बताओ ना।